अब बीतने के बाद अब वामन द्वादशी आने वाला है। 29 तारीख को एकादशी है और उसके अगले दिन 30 तारीख को वामन द्वादशी है। तो हम थोड़ा वामन देव के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आप जानते ही होंगे भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध अवतार है वामन अवतार। लेकिन वामन अवतार के साथ बलि महाराज, उनकी ग्लोरीज बहुत इंटीमेटली जुड़ी हैं। वास्तव में वामन देव के अवतार का एक मुख्य कारण था बलि महाराज, जो कि हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है। उनका गुणगान करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस था वामन देव के अवतार में। तो ये वामन देव के अवतार की कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। तो हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त लास्ट में अमृत निकलने का था और वो निकला भी, और सारे जो असुर थे उन्होंने अमृत को चुरा लिया, और देवता तो बेचारे कमजोर थे तो कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद फिर भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया और असुरों को बहला फुसला करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और जब असुरों को ये बात लास्ट में पता चलती है, ये एक पूरी कथा है समुद्र मंथन की कथा, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन लास्ट में फिर असुरों को पता चला कि अरे ये तो स्त्री जो थी ये कोई मोहिनी नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है, और ये इसने हमारे साथ चीटिंग किया, और इस प्रकार से चीटिंग करके हमें धोखा दे करके सारा अमृत हमारे शत्रुओं को पिला दिया गया। तो उन्हें तुरंत गुस्सा आया, तुरंत तलवारें खींच गई और ऑन द स्पॉट बैटल स्टार्ट हुआ। और वो युद्ध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि पूरा रण भूमि में पहुंच गए, पूरा एकदम सारे दानव के जितने अपने परिवार विवार सहित जितने एलाइज के साथ सब कोई पहुंच गए और देवता भी पहुंच गए, और इतना घमासान युद्ध मचा उसके बाद देवताओं में और दानवों के बीच में कि शास्त्र हमारे बताते हैं श्रीमद् भागवतम कि जो उनके चलने से जो धूल उड़ रही थी उससे सूर्य ढक गया, पूरा आसमान ढक गया, दिन का रात हो गया, इतना धूल उड़ा उनके युद्ध में। और जो खून के फव्वारे निकले वो एकदम आसमान तक उड़े। इतना घमासान युद्ध हुआ कि लोगों के देख करके क्या सुन करके ही उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, इतना घमासान युद्ध हुआ। तो देवता तो उस वक्त तक अमृत पी चुके थे इसलिए वो शक्तिशाली हो चुके थे, और उनके अंदर बहुत अब इनकरेजमेंट भी था कि अरे हम तो अमृत पी चुके हैं, अभी तो हम हारेंगे नहीं। तो वो तो पूरा शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन असुर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने देखा कि देवताओं की शक्ति बहुत है, तो उन्होंने माया शक्ति का प्रयोग किया। और माया शक्ति यानी, माया यानी इल्यूजन। हम भी बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में माया का क्या डिफिनेशन है, दैट विच इज नॉट, जो चीज नहीं है उसको देखना। तो हम बोलते हैं कि जड़ जगत माया है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जड़ जगत अनरियल है, कि हम यहाँ पे जो भी सामान देख रहे हैं सब कुछ अनरियल है, अनरियल नहीं है, वो है। लेकिन व्हाट इज अनरियल कि हमारा जो कॉन्सेप्शन है कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, दैट इज अनरियल, इसीलिए उसको माया बोलते हैं, है ना। तो माया मीन्स समथिंग विच इज अनरियल। लेकिन क्या चीज अनरियल है? अनरियल वो सामान नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स अनरियल नहीं होते। अनरियल क्या होते हैं? हमारा कॉन्सेप्शन कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। वास्तव में अगर हम सब चीज को देखें कि भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है, तो एवरीथिंग इज इन वन सेंस स्पिरिचुअल। तो इसी इसी को माया बोलते हैं। तो असुरों ने इस प्रकार की माया शक्ति का प्रयोग किया, और उस माया के कारण देवताओं को दिखा कि अरे तीरों की वर्षा हो रही है, शेर चीते सब आ रहे हैं, जलते हुए ओले, बड़े बड़े पर्वत जिनमें आग लगा हुआ है वो उनके ऊपर गिर रहे हैं। तो इस तरह के इल्यूजन्स उन्होंने क्रिएट किया, और इस प्रकार से जो देवता थे पूरी तरह से बिविल्डर हो गए। इसका फायदा उठा करके असुरों ने देवताओं पर प्रहार किया, और
उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार अमृत पीने के बाद भी असुर भारी पड़ गए देवताओं पर। तो उसके बाद फिर भगवान को फिर से इंटरफियर करना पड़ा, फिर से भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके वो रणभूमि में एंट्री मारते हैं, और फिर से उनके आते ही यहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार, यहाँ कृष्ण आएंगे कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार, यानी भगवान कृष्ण आए नहीं कि सारा माया गायब हो गया, जैसे कि अंधकार गायब हो जाता है सूर्य के आने से, और सारी माया गायब हो गई और भगवान देवताओं का पक्ष लेते हुए युद्ध करने लगे और सारे राक्षसों को मारने लगे, और उनकी कृपा से जो मरे हुए देवता थे वो वापस जीवित हो गए, और देवराज इंद्र भी वापस जीवित हो गए। वो भी मतलब भागवतम में जैसा डिस्क्रिप्शन आता है, डायरेक्टली तो नहीं लिखा है लेकिन इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि शायद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन अमृत पीने का ये मतलब नहीं होता कि आप कभी मरेंगे नहीं, अमृत पीने से आपका लाइफ लॉन्ग हो जाओ जड़ जगत में, जो लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, डज नॉट मीन कि आप मरते और वाइटैलिटी आ जाती है, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाता है, उसको अमृत बोलते हैं। अमृत मटेरियल वर्ल्ड में कोई अमर नहीं हो सकता, वैसा अमृत नहीं होता, तो वैसा अमृत था वो। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने सारे लोगों को वापस जीवित किया, और जीवित हो जाने के बाद सारे देवताओं को पता चला, ओ ये सब तो माया थे, ये सब इल्यूजन था, उन्हें सारा खेल समझ में आ गया असुरों का। तो उसके बाद फिर देवराज इंद्र अपना जो वज्र है, जो उनका मोस्ट पावरफुल वेपन है, उसको उठा करके फिर युद्ध के मैदान में जो असुरों के राजा थे, कौन, बलि महाराज, उनके सामने आए, और उन्होंने वज्र जैसे ही उठाया अपने हाथ में, असुरों की तरफ से हाहाकार मच गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अब हमारे जो लीडर हैं, हमारे राजा हैं बलि महाराज, उनकी मृत्यु अब एकदम निकट है। लेकिन बलि महाराज बहुत ही सोबर व्यक्ति थे, एकदम धैर्यवान, और उन्हें धर्म का बहुत ज्ञान था, तो वो जरा भी विचलित नहीं हुए। तो उनका भी एक उड़ने वाला यान था जिसमें वो भी थे, और सारे दो साइड से, एक तरफ से पीकॉक फेदर और चामर उनके दो असिस्टेंट्स कर रहे थे, उनके पास भी सारे युद्ध के सारे सामान थे, वो लेकर के पूरा सुसज्जित थे, और वो भी इंद्रदेव के सामने आते हैं उनको फेस करने के लिए। तो इंद्रदेव अब इसके बाद फिर बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम लोग उसी प्रकार हो जैसे कि एक बच्चे को कोई उसकी आंखें बंद करके उसका सामान लेकर के कभी भाग जाए, तुम लोग ने उस प्रकार का व्यवहार किया है, क्योंकि तुम्हें पता है ये जितनी भी मिस्टिक पावर्स जो तुम लोग यूज कर रहे हो, ये जितनी सिद्धियां हैं, ये माया शक्ति है, जो कुछ भी है, इसके असली मालिक हम हैं, फिर भी ये तुम हमारे सामने इस प्रकार से इनका उपयोग कर रहे हो। वो बताते हैं कि मैं देवराज इंद्र, जो भी व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से स्वर्ग पर आना चाहता है, स्वर्ग लोक में, जैसे रावण भी अनाधिकृत तरीके से स्वर्ग लोक जाना चाहता था, कैसे, सीढ़ियां बना करके, कि हम एक सीढ़ी बनाएंगे कहां, स्वर्ग लोक तक, और सीढ़ी के थ्रू चले जाएंगे लोग। तो जनरल स्वर्ग लोक जाने का तरीका क्या है कि आप पुण्य करते हैं, उस पुण्य के फल के स्वरूप आप स्वर्ग लोक जाते हैं, लेकिन रावण ने सिस्टम ही बदल दिया था, बोला हम सीढ़ी बना देंगे, जिसको जाना चले जाओ। आज के साइंटिस्ट तो होते तो लिफ्ट बना देते हैं, या क्या रोप वे कुछ बना देते हैं, जाओ अगर कैपेसिटी होती तो। तो उस प्रकार, तो वही इंद्र बोल रहे हैं कि कोई अनाधिकृत तरीके से, यानी मैकेनिकल मीन्स से, या फिर अपनी सिद्धियों के तरह से उसके बल पर वहां पर आना चाहता है, तो उनको मैं यूनिवर्स के सबसे निचले हिस्से में भेज देता हूं अपनी शक्ति से। तो इस प्रकार देवराज इंद्र बोल रहे थे, और फिर बोल रहे थे, और आज वही सेम मैं इंद्र अपने इस वज्र से, जिसमें कितने सारे शार्प पॉइंटेड एज हैं, इससे मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, चलो अब अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाओ और उनके साथ मेरे सामने टिकने का प्रयास करो।
इस प्रकार से देवराज इंद्र बलि महाराज को बोलते हैं। तो अब देखिए बलि महाराज इसका क्या जवाब देते हैं, बहुत ही सुनने लायक है। तो बलि महाराज बोल रहे हैं कि हे देवराज इंद्र, इस रणभूमि में जितने भी योद्धा हैं सारे काल के प्रभाव के अंदर हैं, और उसी प्रभाव के कारण उन्हें विजय या फिर हार या फिर यश या फिर मृत्यु या फिर जीवन, सब कुछ उन्हें इस काल के प्रभाव से ही मिलता है। इस बात को जो लोग जानते हैं वो कभी बहुत ज्यादा सफलता मिलने पर खुश नहीं होते और असफलता मिलने पर दुखी नहीं होते। तो हर्ष और विषाद दोनों चीज उनके अंदर नहीं होता। तो आप अपनी जीत को देख करके इतने खुश हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि आप देवता ये सोच रहे हैं कि आप लोग इस विजय का जो आपको मिल रही है इसके कारण आप खुद स्वयं हैं। तो ये आपका इग्नोरेंस है, अज्ञान है, और इसी अज्ञानता को देख करके जो साधु पुरुष होते हैं वो आपके ऊपर दया करते हैं, आपके लिए वो सॉरी फील करते हैं। तो आप जो शब्द बोल रहे हैं वो हमारे हृदय को बहुत चोट पहुंचा रहा है, लेकिन हम उन्हें मानेंगे नहीं। तो इस प्रकार बलि महाराज बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इंद्रदेव के जो तीखे शब्द उन्होंने बोले। और इंद्रदेव ने जब बलि महाराज की बातें सुनी तो उन्हें समझ में आया कि ये बात सही बोल रहा है, इसीलिए इंद्रदेव ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुप थे। इसके बाद बलि महाराज ने अपना तीर उठाया और लगे इंद्रदेव पर प्रहार करने, लेकिन इंद्रदेव तो शक्तिशाली थे, उन्होंने वज्र अपने वज्र का जो प्रहार किया और उससे वास्तव में बलि महाराज मूर्छित होकर के एकदम ऐसे गिर पड़े, मूर्छित होकर के नहीं, वास्तव में वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे। तो जैसे अपने उनका यान एकदम टूट फूट करके गिर पड़ा आकाश से और वो भी मर करके एकदम ऐसे गिर पड़े, शास्त्र बताते हैं जैसे कि एक उड़ते हुए पहाड़ का इंद्रदेव पंख काट देते हैं। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जितने पहाड़ हुआ करते थे पहले उनके पंख हुआ करते थे और वो उड़ते थे, लेकिन उड़ते उड़ते किसी भी गांव के ऊपर गिर करके उसे तहस नहस कर देते थे। तो इससे गुस्सा करके इंद्रदेव ने सारे पहाड़ों के पंख काट दिए, तो अभी पहाड़ एक जगह रहते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वहां पर अभी भी ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो उड़ते हैं। तो इससे कम से कम हमें ये भी समझ में आता है कि माउंटेन्स आर ऑल्सो अलाइव लिविंग एंटिटीज होते हैं, डेड मैटर नहीं है। यस, माउंटेन्स आर ऑल्सो अलाइव। तो कॉन्शियसनेस हाई हो चाहे कम हो या फिर सप्रेस्ड हो जाए, लेकिन माउंटेन्स आर ऑल्सो अलाइव। जैसे हम जानते हैं कि कुछ पत्थर भी होते हैं जो जीवित होते हैं, तो साइंटिस्ट जानते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन है, लेकिन ये नहीं जानते अभी तक कि पत्थरों में भी जीवन है। शायद कभी पता चले कि पत्थरों में भी जीवन हो। यस, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन्स बट सम स्पेशल काइंड्स ऑफ स्टोन्स दे हैव लाइफ। ओके, और शालिग्राम शिला है एंड कुछ दूसरे तरीके हैं। हाँ, वो तो है ही, उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ स्पेशल तरह के पत्थरों का यूज करते हैं जो भगवान का विग्रह बनाने में, उनमें भी जीवन होता है। तो कॉन्शियसनेस दबी हुई है, जैसे पेड़ों की कॉन्शियसनेस दबी है लेकिन हम जानते हैं कि उनमें जीवन है, उसी प्रकार पत्थरों की कॉन्शियसनेस और दबी हुई लेकिन जीवन है। तो इस प्रकार से बलि महाराज जैसे कि एक पहाड़ के पंख काट दिए गए हो इंद्र के वज्र के द्वारा, इस प्रकार वो वहां से एकदम नीचे गिर पड़े। तो जब बलि महाराज को इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता हुआ राक्षसों ने देखा, तो बलि महाराज के जितने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब बहुत क्रोधवश और बदला लेने की भावना के साथ सारे एक साथ इंद्रदेव पर हमला किए। तो अब उसकी भी लंबी पूरी स्टोरी है, एक एक ने कैसे हमला किया, इंद्रदेव ने कैसे उसको काटा, फिर क्या क्या हुआ, बहुत एक एक्साइटिंग स्टोरी है। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं, भागवतम में ये बहुत एक्साइटिंग ये सेक्शन आता है, युद्ध का जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है। लेकिन फाइनल उसका कंक्लूजन ये हुआ कि इंद्रदेव ने उन सारे राक्षसों को फिर मार दिया, और लास्ट में एक राक्षस था जो कि नहीं मर रहा था,
जिसका नाम था नामूची, क्योंकि उसे एक वरदान था कि वो ना गीले वेपन, कोई गीला अस्त्र हो या सूखा अस्त्र हो, दोनों से नहीं मरेगा। तो इंद्रदेव कुछ भी कर रहे तो मर नहीं रहा था। तो फाइनली एक भविष्यवाणी हुई कि अरे इसे ये वरदान है, कुछ बुद्धि लगाओ। तो इंद्रदेव ने फिर फोम, जो झाग होता है, वैसा वेपन का इस्तेमाल किया और उस वेपन से उसे मारा। तो ये एक ट्रिक था जिससे कि इंद्रदेव ने एक राक्षस को जो नहीं मार पा रहे तो उसको फाइनली मारा। लेकिन इसके मरने के बाद तो फिर कोई उनका सामना कर ही नहीं पा रहा था। और सारे देवता, जैसे कि एक सिंह हिरण को मारता है, सारे देवता उस प्रकार टूट पड़े सारे असुरों पर, और एक एक करके बुरी तरह सबको एकदम खत्म करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि असुरों का पूरा एकदम मूल के साथ पूरा सफाया होने वाला है, मतलब पूरे एकदम रेस उनकी उड़ जाने वाली है, तो ब्रह्मा जी को फिर चिंता हो गई कि अरे ये तो देवता लग रहे हैं कि पूरा एकदम एक असुर को जीवित नहीं छोड़ेंगे, पूरा मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगा रेस। तो फिर ब्रह्मा जी ने तुरंत नारद मुनि को बोला कि जाओ और जल्दी से देवताओं को रोको। तो नारद मुनि तुरंत रणभूमि पर आए और देवताओं को आदेश दिया कि आप अभी ने नहीं मारिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुके हैं, ये लोग ऐसे ही हार चुके हैं, अब आपको इन्हें नहीं मारना चाहिए। तो देवर्षि नारद थे, तो देवताओं ने उनका आदेश मान लिया और मान करके उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और अपने स्वर्ग लोग खुशी के साथ लौट गए विजय मनाते हुए। तो ये हो जाने के बाद, उसके बाद फिर नारद मुनि नीचे आकर के देखते हैं बलि महाराज एकदम बुरी अवस्था में, मृत्यु को प्राप्त किए हुए वहां पे ऐसे पड़े हुए थे। तो नारद मुनि फिर जो बचे खुचे कुछ असुर थे उनको फिर आदेश देते हैं कि ये बलि महाराज का जो शरीर है इसे आप ले जा करके एक पर्वत था अष्टगिरी पर्वत, यहाँ ले जाइए। तो वहां पर जब असुर लेकर के गए तो वहां पर एक मुनि थे जिनका नाम शुक्राचार्य था। वो शुक्राचार्य जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए फिर असुरों के गुरु के रूप में, तो वहां पर शुक्राचार्य ऋषि ने, उनके पास एक विद्या थी जिसे बोलते संजीवनी, यानी उस विद्या से आप किसी मृत आदमी को वापस जीवित कर सकते हैं अगर उसके बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक हैं। तो आपका सर काट करके कोई फेंक दे तो अब उस व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सर भी है, भले कटा हुआ है लेकिन धड़ भी है और सर भी है, तो संजीवनी विद्या से उन सारे लोगों को शुक्राचार्य जीवित कर सकते थे। तो इस विद्या से उन्होंने बलि महाराज को वापस जीवित कर दिया। बलि महाराज को जैसे ही वापस होश आया तो वो तुरंत समझ गए, क्योंकि बलि महाराज बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, वो तुरंत सब कुछ समझ गए बिना किसी के बताए कि वास्तव में क्या क्या हुआ है मेरे मरने के बाद, फिर क्या क्या चीजें, एकदम बिना किसी के बताए सब समझ गए कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। और देखिए, किसी का कोई जीवन वापस दे रहा है तो उसके प्रति कितनी कृतज्ञता होगी। तो बलि महाराज जैसे कि एकदम बिक गए, वो बिक गए एकदम, बोले कि गुरुदेव आप जो बोलेंगे, आप, मेरा जीवन तो चला गया था, आपने मुझे जीवन दिया है, तो अब आप जो बोलेंगे मैं आपका दास हूं। और सिर्फ शुक्राचार्य नहीं, ये जो ऋषि थे सारे भृगु वंश के ऋषि थे, तो भृगु वंश के सारे ऋषि का उन्होंने खूब सेवा किया, हर तरीके से सेवा किया, अपने धन से सेवा किया, अपने तन से सेवा किया, अपने मन से सेवा किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि इस प्रकार साधुओं की, ऋषियों की ऐसे सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार बलि महाराज ने सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों का एकदम पूरे तन मन धन से सेवा, क्योंकि इतना कृतज्ञ थे कि अरे मैं तो मृत्यु के घाट उतर गया था, इन्होंने मुझे वापस नया जीवन दिया, तो अब मेरा जो कुछ भी है सब कुछ इनकी सेवा के लिए पूरा लुटा दिया, अपना सब कुछ उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा के लिए। और इस सेवा से वो सारे भृगुवंशी ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि महाराज को पूरा एकदम भरपूर आशीर्वाद दिया। तो ये आप देखिए, ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है, ये भगवान बताते हैं कि अरे ब्राह्मणों को मैं अपने से भी श्रेष्ठ समझता हूँ, ब्राह्मणों को और भक्तों को वो थोड़ा सा अंतर है, एकदम जो डिवोटीज और ब्राह्मण एक कैटेगरी में नहीं आते, तो डिवोटीज तो अल्टीमेट लेवल के हैं ही, लेकिन जस्ट उसके बाद ब्राह्मणों को भगवान कंसिडर करते हैं,
कोई ब्राह्मण है तो बोलते हैं कि ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूँ, ब्राह्मण का कोई अपमान करे तो वो मेरा अपमान होता है, क्लियरली भगवान बताते हैं। तो ब्राह्मणों का जो तेज है जिसे ब्रह्म तेज बोलते हैं, वो एक्चुअली वो ब्रह्म तेज है, वो भगवान भी उसे उसके सामने मतलब अपने अपनी शक्ति को नीचा रखते हैं। वैष्णवों की शक्ति के सामने अपनी शक्ति को तो वो वॉलंटरली नीचा रखते हैं, और ब्राह्मणों की शक्ति के सामने भी अपनी शक्ति को वो नीचे स्तर पर ही रखते हैं। यानी ब्राह्मणों का कोई इच्छा हो और भगवान की इच्छा हो तो भगवान ब्राह्मणों की इच्छा को प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि वो वैष्णवों की इच्छा को प्रायोरिटी देते हैं। तो जब ब्राह्मण इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने बलि महाराज को बोला कि हम चाहते हैं कि आप विश्वजीत यज्ञ करिए। विश्वजीत यज्ञ क्या है? वो यज्ञ है कि अगर इसे कोई सक्सेसफुली कर ले तो जैसे हम बोलते हैं विश्वजीत, यानी वो विश्व को जीत जाएगा। तो ये यज्ञ उन्होंने बलि महाराज के लिए प्रारंभ किया, क्योंकि वो इतने प्रसन्न थे अपने शिष्य पर, ये पूरा भर भर के आशीर्वाद दिया और बोले कि ये यज्ञ कर लो बलि, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अरे वो इस लेवल तक बता दिए कि साक्षात भगवान ब्रह्मा वो तुम्हारे सामने आएंगे ना तो वो भी नहीं टिक पाएंगे। एक ही व्यक्ति जो तुम्हें हरा पाएगा इस विश्वजीत यज्ञ के बाद है, वो है कि साक्षात भगवान अगर खुद आएंगे तो वो तुम्हें हरा सकते हैं, नहीं तो और कोई शक्ति नहीं है कि इस विश्वजीत यज्ञ करने के बाद तुम्हें कोई हरा पाएगा। तो वो विश्वजीत यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, और जैसे जैसे ब्राह्मणों ने आदेश दिया वैसे वैसे बलि महाराज ने वो पूरा विश्वजीत यज्ञ किया। और आपको पता होगा कि बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन है ना? तो प्रहलाद महाराज जो इतने बड़े भक्त हैं, फिर उनका पुत्र विरोचन वो भी बहुत बड़ा भक्त था, तो उसको भी इसी प्रकार देवताओं ने छल से मतलब उनसे दान मांगा था। दान में क्या मांगा? उनका जीवन ही मांग लिया, और वो दानवीर थे तो उन्होंने दे भी दिया इस प्रकार से। तो ये पूरा देखिए राक्षसों की फैमिली है, लेकिन देखिए शुद्ध भक्त इसमें आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज, विरोचन और फिर बलि महाराज। क्योंकि तो बलि महाराज भी हम देखेंगे कि ये वास्तव में असुरों के लाइन में आ रहे हैं, लेकिन ये सारे शुद्ध भक्त हैं। प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद महाराज के एक जनरेशन पहले थे, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष वो तो असुर थे, लेकिन उसके बाद से देखिए ये लोग भी आ रहे हैं, पूरे भक्त लोग एकदम, और महान मतलब महाभागवत वैष्णव जन्म ले रहे हैं। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये सारे महाभागवतों में काउंट किए जाते हैं। तो असुर का फैमिली है लेकिन ये सारे महाभागवत हैं। तो प्रहलाद महाराज भी अपने ग्रैंडसन को बहुत पूरा आशीर्वाद देते हैं, और देखने के बाद उन्होंने एक गार्लैंड दिया, एक फ्लावर अपने पोते को दिया, जिससे कि ऐसा वो फ्लावर था कि कभी वो मुरझाएगा नहीं, और जब तक व्यक्ति पहना रहेगा उसके शरीर में पूरी वाइटैलिटी रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने दिया, और शुक्राचार्य ने एक कॉन्शल जो शंख होता है वो दिया। और यह पूरा यज्ञ पूरा हो जाने के बाद यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ निकला, और उसका रथ का भी पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब वेरी फुल विथ मॉडर्न टर्म्स बोले तो इक्विप विथ ऑल टेक्नोलॉजी फॉर फाइटिंग। उसके बाद फिर रथ के घोड़े निकले उसी यज्ञ कुंड से, और फिर उसका झंडा निकला, झंडे पे जिसपे सिंह का ऐसा निशान था, शेर का, ये सारी चीजें निकली। उसके बाद फिर एक दिव्य धनुष निकला, और दो क्विवर जो बाण रखने के जो कंटेनर होता है, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, क्विवर जिसमें रखते हैं, उस तरह के दो क्विवर निकले। तो इस प्रकार से अनेक अस्त्र शस्त्र निकले, फिर आर्मर निकला, इस प्रकार के सारे अस्त्र शस्त्र जो भी चीज चाहिए एक युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए, वो सारी चीजें इस प्रकार से उस यज्ञ कुंड से निकली। और यज्ञ विश्वजीत यज्ञ पूरा हो जाने के बाद बलि महाराज ने सारे ब्राह्मणों के चारों तरफ प्रदक्षिणा की, प्रहलाद महाराज के चारों तरफ प्रदक्षिणा की, सबको झुक करके प्रणाम किया, और सारे ब्राह्मणों ने प्रहलाद महाराज ने पूरे हृदय से, क्योंकि इतने प्रसन्न थे वो बलि महाराज की सेवा से कि हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। और इन सब का इतना आशीर्वाद उन्हें मिला कि अभी वो कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें हरा सकती थी। इस प्रकार से सारा आशीर्वाद लेके, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, फिर बलि महाराज ने वापस चढ़ाई की, कहा अमरावती। अमरावती क्या है? ये देवताओं का कैपिटल।
जो इंद्रदेव की जो नगरी है उसे क्या बोलते हैं, अमरावती, इंद्रलोक या अमरावती, एक ही जगह है। वहां पर वो निकल पड़े अभी हमला करने के लिए। तो श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि उनकी सेना देखने में इतनी सुंदर लग रही थी और देख करके ही इतनी शक्तिशाली लग रही थी कि कोई व्यक्ति को देख करके ही ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो अपनी शक्ति से चारों दिशाओं को जला देंगे, अपनी आंखों से आसमान को पी जाएंगे, इस प्रकार का देख करके ही लग रहा था। और उनके गोल्डन ऑर्नामेंट्स और सारे अस्त्र शस्त्र देख करके उन्हें समझ में आ गया कि इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, ब्रह्मांड की कोई शक्ति इनके सामने नहीं टिक सकती। तो इस प्रकार वो पहुंचते हैं वहां पर अमरावती के चारों तरफ। और अमरावती जो शहर था वो यूनिवर्सल मॉडल में हम देखेंगे, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर अमरावती का वो शहर है, तो उसको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। तो चारों तरफ से कुछ गेट थे अमरावती के, एंट्री गेट, तो किसी भी गेट से कोई निकलने ना पाए, इसलिए चारों गेट से उन्होंने हमला किया, चारों गेट से ऐसे घेर लिया। तो ये अमरावती का श्रीमद् भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन भी आता है कि अमरावती जो कि स्वर्ग लोक का कैपिटल सिटी है, क्योंकि इंद्रदेव का वो शहर है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि अमरावती कितनी सुंदर थी। तो उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि वहां पे, जैसे हम जानते हैं स्वर्गलोक में नंदन कानन गार्डन्स होते हैं, तो वो जो नंदन गार्डन होते हैं मतलब एकदम सेलेस्टियल गार्डन होते हैं, अभी मटेरियल वर्ल्ड के गार्डन जैसा नहीं, बहुत ही सुंदर होते हैं। वहां पे जो वृक्ष होते हैं एकदम जबरदस्त, एकदम बहुत अच्छे, जैसे पारिजात का वृक्ष हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने वहां से लेकर के आए थे, तो उस प्रकार के वृक्ष होते हैं वहां पे जो चमकते हैं और बहुत सुंदर। और वहां पे आप देखेंगे चिड़ियाएं होती हैं, उनके चहकने की आवाज आती रहती है, जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो अपना बजिंग साउंड वहां पे करते रहती हैं, तो मेक्स एटमोसफेयर वेरी प्लीजिंग। और उन गार्डन्स में बोलते हैं जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो सारी श्यामा स्त्रियां होती हैं, और वो उस गार्डन में खेलती हैं, और गार्डन में लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर वो जल क्रीड़ा करती हैं। तो इससे समझ में आता है कि देखिए मटेरियल वर्ल्ड में हमें सब कुछ मेंटेन करना होता है, कि यहाँ के लेडीज को घर संभालना होता है, सफाई करो, क्लीनिंग करो, कुकिंग करो, बहुत कुछ करना होता है, तो बहुत समय जाता है घर को मेंटेन करने में। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम स्वर्ग लोक में नहीं रहता, स्वर्ग लोक में इतना करने की जरूरत नहीं, वहां की लेडीज सिर्फ क्या करती हैं, एंजॉय करती हैं, गार्डन में एंजॉय करती हैं, पॉन्ड में एंजॉय करती हैं। तो वो यहाँ पे बताते हैं इस प्रकार से उनका एक ही कार्य है, घरेलू कार्य वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे स्वर्ग लोक गंदा ही नहीं होता, वहां पे धूल ही नहीं है। उसी प्रकार तो उनका बस तो कुछ काम नहीं है, तो क्या करेंगे, दिन भर आप एंजॉय करेंगे। और ये सारे जो देवताओं की स्त्रियां हैं उनकी क्वालिटी बताते हैं कि वो सारी श्यामा स्त्रियां हैं। तो श्यामा स्त्री किसको बोलते हैं, ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक स्पेशल तरह की स्त्री को श्यामा स्त्री बोलते हैं, और देवताओं की सारी स्त्रियां श्यामा ही हैं। तो वो वैसी स्त्री होती है जिसका कि शरीर ठंड के मौसम में गर्म होता है और गर्मी के मौसम में ठंडा होता है, और उसके वक्षस्थल एकदम मतलब रिजिड होते हैं। ये दो क्वालिटीज बताया गया है श्यामा स्त्रियों का। तो इस प्रकार की देवताओं की स्त्रियां जो बहुत सुंदर होती हैं उन गार्डन्स में खेलती हैं। अब उनका जो सराउंडिंग है, जो सिटी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ सिटी के बाहर वहां पर पहले तो सिटी की वॉल्स जो होती हैं, जो वो बहुत हाई राइज हैं, फायर के कलर का बताया जाता है, आग के रंग का एकदम हाई राइज वॉल्स हैं। और सिर्फ वॉल से आपका सिक्योरिटी नहीं होता शहर का, वो आप पहले के जमाने में देखेंगे भी तो यहाँ पर धरती पर भी जो वेल प्रोटेक्टेड सिटीज होती थी, तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे सिटी के चारों तरफ, और उन ऊंची दीवारों के ऊपर एक वॉच टावर रहता था, है ना। और उस वॉच टावर में वो लोग अलग अलग जगह पर ऐसे टावर्स बनाए रखते थे दीवार के ऊपर, और उन वॉच टावर्स में सारे उनके वेपन्स स्टोर करके रखते थे, क्योंकि अगर दुश्मन आएगा हमला करेगा तो वहीं ऊपर से हमला करेंगे, और इतना समय नहीं रहेगा कि अरे कहाँ से पहले सामने
सब कुछ ले करके ऊपर जाओ, तो वहीं पे स्टोर करके वेपन्स को रखते ही थे। तो इस प्रकार से मतलब सिटी का प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता था, है ना। तो इस प्रकार का उनका भी सिटी था कि चारों तरफ से वॉल्स थे, हाई राइजिंग वॉल्स थे जिसे कोई क्रॉस ना कर पाए, और उनके ऊपर इस प्रकार के बहुत सारे सेंटर्स ऐसे बने हुए थे जहाँ पे उनके वेपन्स स्टोर थे कि दुश्मन आए तो वहीं से हमला करेंगे। और उसके चारों तरफ गंगा नदी का एक ट्रेंच बोलते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में भी रहता था कि सिटी के चारों तरफ एक पानी का सराउंडिंग, पूरा एक पानी का बॉडी एकदम से घेर देते हैं, तो उससे भी दुश्मन को आने में असुविधा होगी ना, कि पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो कैसे आएगा, तेजी से तो हमला करेगा नहीं, उसको आने में दिक्कत होगा, नाव आओ कुछ करके आएगा, और नाव वहां से लेके पहले सर पे उठा करके नाव आएगा उस पर रखेगा, फिर क्रॉस करके जाएगा, तो उतने देर में तो हमला करके मार देंगे सबको। तो उस तरह से गंगा नदी, जैसे आकाश गंगा बोलते हैं, वो चारों तरफ से ऐसे घिरी हुई थी उस, तो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी था अमरावती का, ताकि कोई दुश्मन वहां पे हमला नहीं कर पाए। अब वहां के बताते हैं जो सारे गेट हुआ करते थे वो एकदम सॉलिड गोल्ड के उस तरह के हुआ करते थे, और वो सारे गेट आपस में जो पब्लिक रोड्स होते थे एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। पूरी सिटी मतलब इतनी सुंदर थी क्योंकि वो कोई मेटेरियल वर्ल्ड का कोई सिविल इंजीनियर नहीं, उसे साक्षात विश्वकर्मा जो देवताओं के सिविल इंजीनियर हैं उन्होंने ये ऐसी सिटी बनाई थी। और उस सिटी के ऊपर आकाश में बोला जाता है कि इधर 1 मिलियन एरोप्लेन्स हमेशा उड़ा करते थे। तो कैन यू इमेजिन, दुनिया का बेस्ट सिटी भी हो, कभी आसमान में आप देखिए तो 1 मिलियन एरोप्लेन नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पर मतलब ये ऑपुलेंस का सो अमरावती के वहां के ऐश्वर्य का वर्णन है कि 1 मिलियन एरोप्लेन हमेशा आकाश में दिखते थे। तो इस प्रकार की थी, और वहां की जो हवा थी एकदम कोमल, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, एकदम प्लीजेंट, जो खुश, एकदम खुशनुमा हवा बहती है उस तरह की हवा बहती थी। और वो हवा में फूलों की सुगंध होती थी, वो कहाँ से, गार्डन से भी आती थी, और उसके अलावा जो स्त्री अपने बालों में लगाती थी वो फूल बहुत बार नीचे रोड पर गिर जाते थे तो हवा से वो भी बहते थे, तो उनकी भी सुगंध आती थी। और बताते हैं कि जो देवताओं की स्त्रियाँ थी वो इतनी सुकुमारी और इतनी कोमल हुआ करती थी, जो जब घर से बाहर निकलती थी तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर एक स्मोक का क्लाउड बन जाता था, कि बाहर आप जैसे कोई धूप में निकले तो फिर धूप से प्रॉब्लम होता है कोई अगर बहुत कोमल शरीर का हो तो। तो हालांकि वहाँ का माहौल ऑलरेडी इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो जब बाहर निकलती थी तो उनके ऊपर एक बादल जैसा बन जाता था उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको कवर करने के लिए। और वहाँ पे आपको हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स के बजने का और गाना का आवाज़ सुनाई पड़ते रहता था। और गंधर्व अप्सराएं, वो भी देवता हैं लेकिन थोड़ा लेसर कैटेगरी के देवता हैं गंधर्व और अप्सराएं। तो गंधर्व सिंगर्स होते हैं, अप्सराएं डांसर्स होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे सिंगिंग एंड डांसिंग करते रहते थे। लेकिन क्या मूवी सॉन्ग्स नहीं, भगवान का कीर्तन। तो यहाँ पे देखिए इतना डिस्क्रिप्शन है कि इतना ऑपुलेंस है, सारे वहाँ के देवी देवताओं के शारीरिक सुंदरता इतनी ज्यादा है, इंद्रियाएं इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि कोई भी पापी या कामी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति उस शहर में घुस नहीं सकता था, ये भी एक बात है। तो वहां पे लोग खुश रहते थे, गाते बजाते रहते थे, लेकिन क्या गाते बजाते थे, भगवान की लीलाओं को सुनते थे, उनका गान करते थे, तो नहीं कि मूवी सॉन्ग चल रहे हैं वहां पे, यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि न्यूयॉर्क सिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, कि वो भी कुछ कुछ ऑपुलेंट है, हैंडसम मैन वुमेन, बट वो कुछ और है। यहाँ पे सारा चीज है, ऑपुलेंस है, बट उनका कॉन्शियसनेस कहाँ रहता था, भगवान के कीर्तन में वहां पर। तो इस प्रकार की वो सिटी थी। और इसको अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन आता है स्वर्ग लोक का, तो ये हमें ये इंस्पायर करने के लिए नहीं है कि हमें वहां पे जाने का वहां पे डिजायर हो कि अरे अमरावती तो इतनी अच्छी जगह है, तो यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे हमें डिजायर आता है कि न्यूयॉर्क चलना चाहिए।
अब अभी पता चला है न्यूयॉर्क से भी अच्छी जगह लग रही है, अमरावती चलना चाहिए अब। तो इसलिए ये शास्त्र नहीं बता रहे हैं कि आपको इंस्पिरेशन आ जाए कि चलो अमरावती ही चलते हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि दिखाने वाले हैं कि देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी देवताओं को खुशी नहीं मिली। बलि महाराज ने चारों तरफ से हमला किया और ने अभी आगे देखेंगे कैसे वो धूम दबा के भागे। आज तो हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार बलि महाराज ने हमला किया, तो देवताओं की सारी बैंड बज गई थी। तो ये वहां पे दिखा रहे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी जड़ जगत में आपको खुशी नहीं मिलेगी। वास्तव में इतना इस लेवल का ऑपुलेंस हो जाने के बाद, इतना सुख ऐश्वर्य समृद्धि हो जाने के बाद भी हमें भगवान के धाम ही वापस जाने का प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज हो जाने के बाद भी, ऐसा प्रोटेक्शन हो जाने के बाद भी, ऐसा ऑपुलेंस हो जाने के बाद भी आप चैन से नहीं रह सकते। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर अपना डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इतना डिटेल डिस्कशन भागवत में है क्या? मतलब